साधक जी मुनीश्वर होते जिनको केवल ज्ञान की तलहटी में मौजूद है सकार प्रचुर स्वसंवेदन ही जिनका भाव है, आत्मा मैं ही जिनका जीवन, 24 प्रकार के परिक्रमा से जो रहत होते हैं, समता की मूर्ति होती है, राग देश किसी भी व्यक्तित्व के पदार्थ के प्रति चलते फिरते सिद्ध भगवान को दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में मौते भी निकल कितना अच्छा लगा, कैसी अच्छी शांति, अद्भुत शांति, आत्मा भगवान ये जीवो अपने स्वभाव को जो मज्जंतु निर्वर्णवी संवेग लोका, सारे लोग के जीव इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा में जो आनंद उछल रहा है इसमें डूब जाओ मग्न हो जाओ, सतत मन भावो अनंत चैतन्य चिन्ह, मैं तो 24 घंटे आत्मा का अनुभव करता हूँ, अचिंत शक्ति स्वयं देवत कैसा मधुर जीवन है, ऐसे मुनीश्वर साक्षात इन 10 धर्मों का वेदन करते आत्मा के आश्रय से प्रकट होते और सभी जीवों की दशा में ऐसे पवित्र धर्म प्रकट हों, सभी जीव वेद ज्ञान करें, सभी अपने को पर्याय बुद्धि से न देखें, सभी अपने को स्वभाव से महान समझें, सभी की कर्ता बुद्धि छूटे, सभी की पर्याय मूर्ता छूटे, सभी जीवों को सब जीव जैसे समान स्वभाव वाले न्यारे राग देश से न्यारे जैसे दिखाई दे, कैसा अच्छा जीवन होगा उसका। आज अपन को एक एक धर्म की चर्चा में आराधना तो एक साथ हो एक ही स्वभाव के आश्रय, पर अपन ग्रस्त लोगों के जीवन में एक ही बात को समझने बैठ, किसे कहते हैं क्षमा कि क्रोध के अभाव को क्षमा, क्रोध क्या है ललित भाई कि आत्मा की अरुचि, आत्मा पसंद नहीं आता है तो वो अरुचि दूर हो गई काम बन गई, अब ये जीव भगवान बन जाएगा, एकदम क्षमा हम दूसरों से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हैं पर अपनी आत्मा से नाराजी है उस तरफ मन नहीं जाता, सबको रिझा लेते हैं पर स्वयं नहीं रिझते, सबको समझा देते हैं पर स्वयं को नहीं समझा, सब अच्छा लगता है पर आत्मा अच्छा नहीं, और जहर उतारा है मेरी याद में जैसे इस जीव को आत्मा पसंद आए मार दो उत्तम मार दो धर्म प्रकट, बात बात में मान आता, मैंने कहा हमारी बात चलेगी, अरे अपनी बात ही नहीं है अपना है ही नहीं कुछ, अपना तो आत्मा, अभी सामायिक में पाठ है मेरु है एक आत्म जामे हम जुटीनो और सबे मम भिन्न जान
संसार से करना क्या है। हमारे कुंद कुंद देव कहते हैं मैं एक शुद्ध सदा अरूपी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, कहाँ से शरीर भी मेरा नहीं, परमाणु मेरा नहीं, मेरी वाणी कहाँ, मेरा राग कहाँ, मेरा धन कहाँ, ना देह अपनी नहीं हाँ अपना अपनी। जैसे मुनिराज को देखो तो आत्मा दिखने लगे, मार्ग दिखने लगे, सुखी व्यक्तित्व को कहते सम्राट। मार्ग कैसे प्रकट कर लिए, ये सबको समान देख, सबको समान कब देखा, गरीब अमीर को समान, तो कोई गरीब अमीर होता नहीं, सब आते हो बहुत सुंदर सुंदर नहीं होते, तो शरीर होता बड़े छोटे तो संयोग की तरफ से ना, जीव सबका एक सा, सबका आत्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति, उद्गल से नहीं बना है, पैसे से नहीं बना है, वाणी से नहीं बना है, मन वाणी देह से न्यारा। ऐसा देखते ही जो अपना बड़प्पन अपने घर से, पैसे से, बिजनेस से, वाणी से, शरीर से, आठ दरवाजे से बताते थे, खत्म हो गया। किसके ऊपर से मान, मानकरण को ढूंढेगाना क्या क्या भरोसा है, आज लक्ष्मी है कल ये आदमी ऐसा हो जाए, कल ऐसा हो जाए, देने लगे मांगने लगे, ये तो उदय के नाटक है। अपनी कमाई धमाई थोड़ी कि खुदगल नाचता रहता है, उसमें निमित्त बनता है पुराना हो गया, सरलता आ जाती जीवन में। कब, जब काम ही नहीं बनाए, छल छंद से हम करना क्या है, जो काम बनते हैं वो तो योग्यता से बनते, उदय निमित्त बनता है, हमारी विकल्प करने से होता क्या। तो वो कसाय टेढ़ी परिणति भाग्य और सरलता जीवन में, कठोरता चली गई मार दवा, सरलता आ गई आर्जव धर्म आ गया, वक्रता छूट गई। अब लोग क्या करें, साथ में कुछ जाना नहीं, जो है वो ही नहीं भोग सकते, जो है वो नहीं भोग सकते, भोगने की शक्ति कितनी और आसक्ति कितनी, सोचो अपने से पूछ। बुढ़ापा आता जाता है, जीभ चलती है, पचाने की ताकत है, चलती बनता नहीं और मोह बहुत चलता, झुक गई कमर, घिस गए दांत, चढ़ गई चश्मे, तो भी नशा नहीं उतरता देव। धन्य भी मुनिराज जो अपने को संतुष्ट रखे, सुख पावे संतोषी प्राण, संतोषी जीव सुखी, लोभ वृत्ति खत्म हो, कुछ नहीं चाहिए, सब लोगों को, अपन सब जैनी है और भगवान जिनेन्द्र देव के अनुयायी हैं, और अपन सबको वस्तु स्वरूप और हकीकत पता चल गई, अब कान पकड़ लेना चाहिए कि ये भगवान भविष्य में कभी इस भोगों के चक्कर में ना पड़े, इस धन के जोड़ने में पागल ना हो जाए, अपने को आत्मा मानना ना भूले। अब आपकी शरण बनी रहे तो जब तक भगवान ना बन जाओ तब तक आपको नहीं छोड़ू, ये निरंतर ऐसी भावना भाव, जैसे अभी सामायिक पाठ में पढ़ रहे, संयमी जीवन हो जाता है, इंद्रियों की गुलामी बंद हो जाती, पहले तो ऐसा लगता है कि आंखें मेरी हैं तो सब चलो अमेरिका लंदन नेहरू भी दुबई सिंगापुर सब घूमाए पागलों की दुनिया, धोखा कर रहे, नरक जाने की बुकिंग कर रहे, पुराना पुण्य जला रहे, उन्हें पता ही नहीं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती। पंच परमेश की पूजा में दुर्लभ मनुष्य मिला संकेत प्राप्त हो जाए, इसके लिए भगवान आपकी पूजा, निज आत्म तत्व की प्राप्ति ही मैंने प्रभुवर की है पूजा, ये उद्देश्य होना चाहिए भगवान की पूजा। हमें नहीं चाहिए पैसा, इससे पुण्य बदले हम करेंगे क्या, अभी यहाँ छोड़ रहे हैं और घर पकड़ेंगे, पागल है क्या, यहाँ एक पत्नी छोड़ी इसलिए कि ब्रह्मचर्य से रहें और वहाँ 32 मिलेगी, एक मेहतर भी हो जाओगे, तो एक से तो निपट नहीं पाए, फिर 32 के क्या करोगे, विषयों में सुख नहीं है ये मान के छूट पाएगी। यदि तुम्हें बुकिंग कराना है तो वो निरति से पुण्य भी बन जाएगा, पर तुम भव भ्रमण नहीं छूट, सही में जीवन होना। आज अपन को उत्तम तप की आराधना करते, याद तो करो, तारीफ तो करो, ज्ञानी जिनकी इच्छा है रुकी, तप चाहे सुरुरा।
लोकांतिक देव सब जीव आत्मज्ञानी छाई सम्यक दृष्टि है, सब चाहते हैं कि कब तपश्चरण धारण क्या कहलाती होगी वो तपस्या जिसको सौ धर्म इंद्र भी चाहते। यहाँ जब दीक्षाएं होती तो वो झोली फैला इंद्र और कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमारा सारा वैभव ले लो और मुझे मनुष्य पर्याय दे। क्या कहा? 32 लाख विमान का अधिपति सौधर्म इंद्र और एक विमान में असंख्यात देव होते। कितने विमान है उसके? 32 लाख और एक एक विमान में कितने देव हैं? असंख्यात। कितना बड़ा आदमी है और भगवान की सभा में पिल्ले की तरह बैठ ऐसा सिमट। हे प्रभु, ये चेहरा और सुंदरता तो बहुत अच्छी बना सकता हूँ, विक्रिया है देव, पर आपकी भीतराग्ता शांति कहाँ से लाऊंगा? चमड़ा तो चमक सकता है, ये चमड़े जिनके चमकते हैं ना इनकी फास्फोरस चमकती, उद्गल का परिणाम, इसमें दम क्या है, सुखी कहाँ है बेटी? ये भगवान आपका समोषण, ऐसे समोषण में विक्रिया से सैकड़ों बना दूंगा, पर समता कहाँ से लाऊंगा, भीतराग्ता कहाँ से आएगी, अकर्तत्व कहाँ से आए? धन्य है आपका जीवन, आपकी उपलब्धि। ऐसी सौदर्भ इंद्र विनती करता है भगवान। वो कह रहा है कि तप चाहें, हम चाहते हैं कब जिनेश्वरी दीक्षा धारण, कब आत्मा ध्यान लगाएं, कब इच्छाओं का निरोध करें। इच्छा की पूर्ति में तो सारी दुनिया पर आत्म के अहित विषय कसार, इसी में सारा जगत लगा रहे। तो 5 इंद्रिय के विषय चाहिए, सवेरे से पेपर, इंडिया टुडे, आज तक, अखबार और फिर नाश्ता, दुकान, पत्नी, पुत्र, घुमाई, सब इसे आत्मा कहाँ? इच्छाएं रुकें तो सुखी हो, यदि इच्छाओं की पूर्ति करता तो कहाँ से सुखी हो? सब जीवों के लगता है कि हम खूब भोग लें तो सुखी हो, वे कह रहे भोग की इच्छा समाप्त हो जाए तो सुख। स्वामी जी कई बार नाम ले चुके रजनीश का, कह रहे रे कैसा कुमत फैलाया था, कैसा देखो जैन हो तारापंथी था समैया पर, उसने भी लिटरेचर महावीर का पढ़ लिया, बोलना आ गया था बहुत सी बातें, बोलने की शैली मधुर हो सकती, और उसे तत्व समझ में नहीं आया तो भोगों से समाधि और सुख कराता था। स्वामी जी को बहुत दुख होता, अरे रे कितने लोगों को मूर्छित करके चले कहाँ गया, इसलिए उपार्जन दिया किसी देश वाले ने जगह ही नहीं हमारे यहाँ। अपना धर्म तो इच्छाओं की वासनाओं के अभाव का धर्म, पूर्ति का धर्म नहीं। तो ये देव यदि कोई तपश्चरण को चाहते हैं तो कुछ सोचने लायक बात, जब उनकी बहुत वैभव संपन्नता है, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, सम्यक दृष्टि है,
तो भी उनको लगता है कि मुनीश्वर दशा लिए बिना ये ऐसा ध्यान होता ही नहीं। तीर्थंकर भी जिनेश्वरी दीक्षा धारण करे बिना भगवान नहीं, कपड़ा पहने पहने कोई भी भगवान नहीं बने, सबके वस्त्र उतरे हैं, जिनेश्वरी दीक्षा धारण की है, आत्म ध्यान लगाया है, इतना विरक्त होता है तीर्थंकर का द्रव कि जो पालकी लेकर विद्याधर देव आदि लाते हैं उनको थैंक यू भी नहीं कहते, बहुत अच्छा काम किया आपने हमें जंगल में पहुँचा, कहें क्या अच्छा, उन्हें इतना अच्छा लगता है आत्मा और सिद्ध भक्त दो व्यक्तित्व याद आते हैं, वो रमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ता तीर्थंकर का, कितना उत्कृष्ट विशुद्ध का पता का पढ़ना होता है, उन्हीं होते हैं बोलते ही नहीं दीक्षा लेने के लिए, इससे सोचो कितनी प्रेरणा मिल सकती है दीक्षा। तीर्थंकर का द्रव्य बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, चार ज्ञान का धारी, द्वासांग के वेत्ता होते, छायक सम्यक दृष्टि होती, तद्भव मोक्षगामी होते, वज्रवृषभ नारा सेनन होते, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती, कभी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते। प्रदमन घर में घूम गया, छः दिन का बालक श्री कृष्ण के घर से, और वो काल संवर्धे उठा के लिए, और घर में नेमिनाथ बैठे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनसे बात करें कि बताओ आपके पास प्रवरिया, इतना सिमटा हुआ जीव का नाम है तीर्थ। वे दीक्षा लेते, वे ध्यान लगाते, वे भगवान आत्मा का अनुभव करते, भगवान बन जाते। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं होगा आज के दिन का, अपन को ये तब तक याद कर, क्योंकि चेतन भी है, तब के नाम से हमें उपवास दिखने लगते, 10 उपवास 5 उपवास ये दिखते, अरे खाना पीना तेरा विभाग ही नहीं, हमने दूध छोड़ा तो कह रहे तूने दूध कभी पिया ही नहीं है, तो पी के बता दे यदि आत्मा पी ली, तुम कहते मैं नमक नहीं खाता, कि नमक क्या तू कुछ भी नहीं खाता, आत्मा अरूपी वस्तु वो खाती पीती, ये तो नियोग है शरीर के और जीव के परिणामों के निमित्त निमित्त संबंध शरीर में जाता है, और ये जीव को लगता है जैसे मैं खाता और पर छोड़ता, ये लगा विषयोपयोगता, उपयोगता के अनुसार त्याग कराया जाता है, ये वासनाएं जो गुलाम बना रहे ना, घी चाहिए यही चाहिए यही चाहिए मैगी और सब दुनिया भर के अभक्ष खाने लगे, ये कहते भाई साहब कुछ नहीं चाहिए आत्मा चाहिए, यदि आत्मा समझ में आ गई तो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आनंद ऐसा आएगा कि भोगों की याद भी नहीं, जब आत्म अनुभव आवे और कछु गोष्ठी कथा कौतूहल विघटे पुद्गल प्रीत नसावे राग द्वेष युत चपल पक्षयुत मन पक्षी मर जावे जब निज आत्म उत्कर्म शिखर को बजे, ये इसमें तपश्चरण में वो तपश्चरण जिससे कर्म बंधते हैं वो नहीं, जिससे कर्म का विनाश हो, कर्म शिखर को पहाड़ जैसे कर, सब तपस्वी मुनिराजों के मिनटों में स्वभाव हो। द्वादश विधि 12 प्रकार के जनानों में लिखे, 6 बहिरंग हो 6 अंतरंग तप होते, अनशन अवबोधरी वृत्ति पर संख्या रस परित्याग विवेक सयासन और काय क्लेश, ये 6 बाहर से दिखते, और बाहर से दिखते हैं और बाहर के दिखने वाले को तब माना और मिथ्या था, और होते ज्ञानी के बाहर के भी तप होते हैं और भीतर के भी, और अज्ञानी बाहर के तप को तपश्चरण मानता तो मिथ्या का बंध और, क्योंकि वो जगत को दिखते हैं और अज्ञानी बहिरात्मा नाम ही क्यों दिए, बाहर आत्मा यानी बाहर की चीज़ों में उसे आत्मा और धर्म दिखता है, खाना पीना बाहर का छोड़ा धर्म दिखने लगता, रस छोड़ा धर्म दिखने लगता, पढ़ लिया थोड़ा बहुत मंदिर में आगे धर्म ने, अरे इच्छा निरोध भीतर होती, आत्मा का आश्रय भीतर होता है, आनंद अतीन्द्रिय भीतर आता है, ये दिखता नहीं उसको, तो उसका सब जितना भी धर्म है अज्ञानी का धर्म बाहर बाहर, और बाहर में धर्म मानने वाले का नाम है बहिरात्मा। सोचें जो जो आपके जीवन में बाहर बाहर हो रहा वो होने योग्य हो रहा, उपयोगिता के अनुसार हो रहा, अशुभ से बचने के लिए हो रहा, ये खराब नहीं, ये तो होना ही चाहिए। 12 महीने जो व्यक्ति मंदिरों में नहीं आते, 10 लक्षण में आना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, पूजन प्रक्षाल करना ही चाहिए, परंतु
आत्मा की प्राप्ति के लिए, उसमें धर्म और शांति मानने के लिए। उत्तम तब सब माँ ही बखाना, जैनियों की तपस्या तो सारी जगत में प्रसिद्ध, सारी अपने मुनि राजों को, अन्य लोग भी, अन्य मत के लोग हैं ना, ये कहते देखो तो ये कपड़ा भी नहीं पहन, कैसा पवित्र जीव, कृष्ण झाँस से कर, ये टेम खड़े होके खाते, रस नहीं लेते, क्या गजब तपस्या। सारे जगत के जीव बाहर बाहर में देख करके भी तारीफ कर, वो बेचारे वो क्या जाने की इच्छा का अनुरोध अंदर में आनंद भोग रहे, वो तो यही समझते जैसे इनने भोजन छोड़ दिया, इन्हें बहुत तपस्या। उत्तम तप सब माँ ही बका, सारे जगत में जैनियों की तप प्रसिद्ध। करम शैल को वज्र समाना वसो अनादि, अब देखो दुर्लभता बता रहे, अपन को कभी इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि अपन आए कहाँ से, आए निकस निगूद सिंधु थे, निगूद में कितने काल रहे, काल अनंत निगूद मजा भी तो कैसे कैसे रहे होंगे, जरा साथ में नरक तम तमा भूमि का कष्ट कम और मिथ्या कर निगूद का उससे अनंत गुना। केवली की ताकत नहीं उस दुख को कहने, उस व्यक्ति को ताकत नहीं है जो भूदन कर रहा, सोचो जिसका अग्नि ही शरीर बन गया हो, इससे भी अनंत गुना दुख है निगोदिया। और अनंत अनंत जीव निगोद में पड़े हैं और कभी निकलेंगे नहीं, सोचो जरा आप कैसे निकल के आए, कभी गर्व गौरव लाओ कि हमारा कौन सा अच्छा भाग है, कौन सी अच्छी होनहार है, क्या हो गया है, हम सारी दुनिया से निकल कर के वहाँ खड़े हो गए महावीर भगवान के पास, जहाँ से सीधा मुक्ति का मार्ग बताया, इतनी दुर्लभता बताइए कि की बात। वसु अनादि निगूद मझारा भूमि कलत्रय वसुतनि धारा, धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ सुकुल आयु निरोगता से अपन पार कर गया। सबसे पहले अपन कहाँ रहे अनंत काल तक, निगूद की पर्याय, अब निगूद से निकल कर कभी धरती भी नहीं बनी, चट्टान नहीं बने, पेड़ नहीं बने, निगूद के पर्याय में पांच स्थावर जीव से भी अनंत बनाकर, ये फूल खिले दिखते हैं ना, ये छह लीसियाँ हैं, ऐसा कष्ट है उसे तो कह नहीं सकते, अपार कष्ट, और दिखता कैसा खिला हुआ पेड़ में, कितनी कसाएँ, कितनी तीव्रता व्यक्त करने का कोई अर्थ, पानी में, हवा में, किसी दुर्दशा है, दिन भर एक काल में बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत पानी का दुरुपयोग, बहुत हवा का दुरुपयोग, कैसी इसके बिना रह नहीं सकता, इतनी गर्मी धन्य हमारे गुरुदेव, उन्होंने कभी पंखा तो नहीं चलाया, परंतु वो गर्मी के दिनों में भी अपने कमरे से बाहर नहीं, अब पसीना आता था कपड़े पर तो उसे ऐसा उसमें जीव आ गए सम्मूर्जन जीव, बस ऐसे टांग देते थे, वो अपनी योग्यता से अपने काल में जहाँ जाना चाहिए, हमारे हाथ सिर का घात कि फूल पे पैर रख दे तो कि तेरे रे तेरे अनंत काल के माता पिता भावी भगवान इसमें समझता है, सर्वज्ञ को पहचानता, भगवान ने देख, कोई यदि ऐसा कहता है किसने देखी, एकदम खड़े हो जाते, क्या कहता है सर्व का विश्वास है, हवन मान कहाँ से निकल के आए, निगूद से, क्या हुए धरती बने, जल बने, अग्नि, वायु, वनस्पति, ऐसे क्रम से होता है, इतना सरल नहीं है जितना सरल अपन को लगता है। अगर स्थावर की पर्याय से दो इंद्री केंचुआ हो जाना, लट हो जाना, दुर्लभ लैज्यो चिंता मणि, दो इंद्री में आए तो इतना स्वागत करती जिनवाणी, अरे तू कैसे निकल आए निगूद से, महाभाग जो तू लट बन गया, महाभाग कहते उसे, निगूद में कोई चांस नहीं, कौन बताएगा, ना वो पुस्तक है, ना प्रवचन है, ना गुरु है, ना छेपसम है, ना कसाई की मंदता है, सोचो उछट कैसे आए,
और दो इंद्री के बाद तीन इंद्री चींटी हो जाना, चींटी हो जाना कितना दुर्लभ, जबकि एक पानी के बहाव में जब जैसे ही गिरता है ना तो हजारों हजारों लाखों करोड़ों संख्या से चींटी मर जाती। कौन पूछे, आदमी मरता तो पेपरों में आ जाता, चीटा चिटिया पशु, उनको कौन पूछे कैसे कैसे अपन के दिन बीते हो। किसी ने पैर रखा तो फट गया शरीर, तो आधा वहाँ डाला आधा अमाइन में थे हम, तो वहाँ पर ऐसी लाइट तो है नहीं जैसे अपने यहाँ, तो लालटेन जली, इतने में एक छिपकली लालटेन की प्रकाश में कीड़े पकड़ने आए, तो वो दीवार से यहाँ आए और यहाँ से बिल्ली ऐसी झपटम झपटी मारा कि उसको ली लिया उसको पूरी छिपकली एक मिनट। अब वो पूछ कर ली तो पूछ यहाँ डली और छिपकली पूरी उसके पेट में चली और वहाँ मर नहीं रही, वो तड़प रही, और यहाँ पूछ तो उसके आत्मा के प्रदेशों के कनेक्शन है, तो यहाँ यहाँ पूछ हिलती थी और वहाँ वो तड़पती थी, उसके दुख को कौन निरूपण कर। पूरी मछली ने ले ली एक व्यक्ति और पेट में चली और दिन भर वो पड़ा था, और 24 घंटे बाद वो मछली वैसे उसकी उल्टी हुई और वो बाहर निकल गई। तो उसे पूछा कि तुम मछली के पेट में 24 घंटे में मरे नहीं, कैसे रहे, तो उसकी सांस में हम सांस लेते थे और ये घड़ी पहने था इसमें चार्ज फंसे, तो उसका अजीली में जिंदा है। ऐसे ऐसे कष्ट सही जीव ने सब भूल जाता, मनुष्य पर्याय की हालत, कहीं बाढ़ में फंस जाता है तो कहीं कट जाता है, तो कितने व्यक्तियों की कैसे कैसे प्रसंग आ रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात जो अभिनंदन जी पंडित साहब ने प्रतिष्ठाचार उन्होंने बताया ललितपुर की घटना, कि एक व्यक्ति ने बताया कि 10 व्यक्ति चले आ रहे और मोड़ पर गाड़ी मोड़ना है पहाड़ जैसा एरिया, तो वो बहुत अच्छे से आ रहे और एकदम से ड्राइवर की आंख लगी और वो कार सीधी 10 फुट नीचे के गहरे में गिर, तो वो इस तरह से गिरी कि कार तो टूट फूट गई तो 10 आदमी सुरक्षित, ठीक है, इतनी मैसेज सब उतरे और उन्होंने मोबाइल से अपने अपने घरों को कि हम लोग महाभाव से बच गए हैं और यहाँ पर पड़े हैं और थोड़ी देर में, इतने में एक ट्रक पत्थर से भरा हुआ है और उसका भी फ्लिप होना और उसी कार के 10 व्यक्ति के ऊपर मार, कितना अच्छा जीवन वो कब चला जाता है कुछ समझे में नहीं आता। गुना के राजकुमार पंडित जी उनने सच्ची घटना बताई थी कि हमारे यहाँ ट्रक में 25 से 35 गाय या बैल वो ट्रक में इस तरह से भरे जाते हैं कि वे हिले भी ना, यानी एक दूसरे को इस तरह से ना हो गए जिससे वो मर सके, स्ट्रीट खड़े और कोई पानी भी मांगे ना, भूख भी ना सताए, उनको पता ना चले, तो उनके आँखों में मिर्ची बांट करके भरी जाती है जिससे वो रोते रहें, तड़पेंगे तो भूख प्यास बंद रहेगी, भोजन नहीं मांग, और वहाँ तक जाना है बॉम्बे तक गुना से, 2 दिन में ट्रक पहुँचेगा और कसाई खाने के यहाँ बेचना, एक एक दशा सुन करके लगता है कि जीव कितना भोग लेता था, बस सब भूल जाता फिर मस्ती है। ये कह रहे भाई साहब इच्छा का निरोध करने का तत्व अभ्यास करो, आत्मा को पहचानो, तुम भगवान जैसे हो ऐसा आनंद आएगा तो दुनियादारी के सब विषय भाग जाए। अभी अपन तो एक एक इच्छा की पूर्ति के लिए दिन भर प्रयास हो ही आज तक सुखी नहीं हो पा, जो चाहता है वह कभी होता नहीं, जो होता है वह कभी भाता नहीं, और जो भाता है वह कभी ठहरता नहीं। अलग 3 बार, जो चाहता है वह कभी होता नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई तुम्हारा गुलाम नहीं, द्रव अलग है प्रिय, जो चाहता है वह कभी, तीर्थंकर का भी पढ़ लेना निर्जरादि का, वेद वेदक विभाव चलत्वा वेद तीन खलु कांचित चित, वेद भाव वेदक भाव विभाव भाव, जब भोगने के भाव होते हैं तो सामग्री नहीं होती, जब सामग्री होती है तो भोगने के भाव नहीं आते, जब दांत हैं तो चने नहीं है, जब चने हैं तब दांत, ऐसी दुनियादारी, अरे तुम्हें सब कुछ मिल जाए पर भोग ही नहीं सकते, बात तो ये सबसे बड़ी, जो चाहता है वह कभी होता नहीं।
जो होता है वह कभी भाता नहीं। तुम्हारे मन का तो होगा नहीं, वो तो पढ़ना मन है, जो होना जो भाता है कि यहाँ अच्छा लग रहा है तो वो ठहर जाए दूध प्रमाण के, कहाँ से सुखी हो जाएगा, अच्युत स्वर्ग से च्युत हो जाता है, अमर देव भी मर जाता है, तो कहाँ की आशा लगा के अमर मान कर इस जीवन को प्रभाव हाय भलाया चांदी सोने के टुकड़ों में फूला नहीं समझ। देख मूढ़ता यह मानव की उधर काल मुस्काया, अगले पल नहीं दिखा कहाँ गए, कहाँ से चल के आया कहाँ पहुँचे। भरोसे बिजली की चढ़भंगुर आभा कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में है कितना भेद बताओ। जल बुध बुध मानो दुनिया को अमर सीख देता है, मृत्यु तभी से ताक रही जब जीव जन्म ले। तुम कितना बच पाओगे, कैसे बच पाओगे, व्यवस्था ही नहीं है, ये शरीर अपनी बपौती नहीं है, अपने हिसाब से नहीं चल रहा, उदय रिमोट कंट्रोल है से। और वो जैसा काला गोरा जैसा बनाना है ना, वो निमित निर्माण नामा नाम कर्म, और नाम कर्म से पूछो कि हम गोरे क्यों हैं, ब्यूटी पार्लर नहीं जाओ, उनके पास जाओ नाम कर्म जैसा क्यों मिला ऐसा क्या, ये अपनी चीज़ नहीं है, पुद्गल की रचना है, मट्टी है पूरी। करना क्या है, दुर्लभता जानकर धर्म में लगो, ऐसा बार बार योग नहीं बनता जैसा इस बार पर्याय मिला। अभी कितनी दुर्लभता बताई, अनादि से निगोद से निकल के आया, फिर भू विकलत्र यानी भू यानी पांच स्था, फिर विकलत्र यानी दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री, फिर पशुधन यानी पांच इंद्री, कितना दुर्लभ बताते हैं। अब उस पशु पर्याय से नरक से त्रियंत्योनि से देव से निकल करके यदि मनुष्य हो जाए तो मनुष्य होना बहुत दुर्लभ, सबसे कम चार गतियों में यदि जीव को भव मिली है तो मनुष्य पर जाए, और सबसे ज़्यादा बार यदि कभी गया है उसका नाम है त्रियंश गति, क्योंकि मायाचारी के परिणाम इजी होते और आराधना के परिणाम बहुत दुर्लभ। दारा मनुष्य तन दुर्लभ सुकुल आयु निरोगता तत्वज्ञानीषयोपयोगिता अति महादुर्लभ प्रसाय जो तप आदरे मनुष्य पर्याय में हो गए, अच्छा मनुष्य हो गए, अनार देश में हो गए, वहाँ तो सवेरे से शराब पी मांस खाते हैं, अपनी पत्नी को दूसरों को देते, दूसरे की पत्नी खुद दी, बूढ़े माँ बाप को एक तरफ डाल देते और लड़के बच्चे अलग रहे, विदेश की कल्चर देखोगे तो रोना आ जाए, क्या तमाशा है, न भोग समझ में आते, न योग, न रहना, न ढंग, खान पान सब दे। ये तो अपने नरेंद्र मोदी आए तो प्रधानमंत्री पद पर जब आए थे तो उन्होंने कहा कि कोई नॉन वेज नहीं बनेगा, उसी जैनत्व का आधार है, नॉन वेज नहीं बन गए और धरती को प्रणाम। राजा भी अच्छा हो तो आप मंदिर आ रहे हैं, अपने आचार्यों ने राजा तक को धन लिखा, अपना ग्रंथ लिखा, आपके शासन में निर्विघ्न इस ग्रंथ की पूर्णता कर, आपको बहुत बहुत ऐसा जैन धर्म मिला। ये मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है क्योंकि अनार्य में हो गए तो गए काम से, वहाँ तो उल्टा सीधा बैरिस्टर चंपत राय मरने के लिए इंडिया आए, अंडा खाना जिंदा रहेंगे बच जाएंगे, नहीं नहीं इसमें कोई सिक्योरिटी, तो फिर हम भारत जा रहे हैं, यहाँ जीना भी सिखाया जाता है और मरना भी, यहाँ आए भारत विनोबा समाधि, भारत में आना बहुत सब नेहरू भी गए थे सामने, यदि कहाँ आना आ रहे देश आ जैसे कि कितने तीव्र कसा है, बोले डाकू घुस जाते किसी कोई भी सीटों को मार डालते, कैसा देश है किसी संस्कृति, तो अपन भारत में आ गए इतने ही बार नहीं मिलिट्रियों से बच के आए, बहुत ऐसे हैं जो आदमी सिर्फ स्ट्रक्चर से दिखते पर परिणति से पशु जैसे,
जिन्हें रात्रि में भोजन कर रात्रि में तेरा पेट नहीं भरा और रात में भर जाएगा। जिसे रात अच्छी लगती है उसे नरक अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ सदा काल रात है। इसलिए पर्वों में अपना ऐसा मन बनाओ कि जिससे हमारी गंदी परिणतियाँ छूट जाएँ और हम नरक द्वार तो न जाएँ, क्योंकि हम भगवान के पास तो रहे, वितरागता की निकटता तो बनी रहे। यदि हम उनके विरोध में चलेंगे तो मिलेंगे कैसे? तो अनार्य देश से निकल के आर्य देश में आए, आर्य देश में आकर के अजैनों से निकल के जैन भय, जैनों से भी निकल के व्यवहारावासी वाले जैन जो पूजन करी और भागे गए, प्रवचन सुनने मन नहीं होता। ये व्यवहारावास का लक्षण है, व्यवहार साधनों में संतुष्ट रहता हुए हम करे आए अपना बस इतना काम, हम उपवास करें। अरे तो उपवास जानते नहीं तुम क्या करो? ओपे आने समीप, वास यानी ठहरना, आत्मा के आनंद को भोगने का नाम उपवास। इच्छा रुकती है तो ये इच्छा हो रही कि 10 दिन बाद मेरा रथ निकल, मेरे पास लोग आएंगे, फिर उपवास है कि इच्छा पूर्ति के कार्यक्रम। नहीं समझ में आता ये तो लिखा कि बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय, महादुर्लभ। अब मनुष्य भी हो गए और कितने जीव हैं बीमार, अभी कितने तो कोरोना में चले गए, कितने कोई रोग से ग्रसित है तो आ नहीं सकते। सुकुल आयु, सुकुल भी मिल जाए कि जिस घर में तत्व चर्चा हो, आत्म कल्याण की बातें चलती, ऐसे घरों में आना। फिर आयु ऐसी स्वस्थ हो कि ये जो पेटी में मर जाता या मम्मी मरवा डालती, ऐसे जीव तैयार हो गए। फिर बच भी गया इतनी योग्यता आ जाए कि काली से भ्रष्ट ना होके मंदिरों में बैठ, नहीं तो वहाँ गया और वहाँ दशा हमारी कालर पकड़ के कालेज के लड़के कहते क्यों रे बनी है जैन, तू सिगरेट पीता है कि ऐसे ऐसे सताते कैसा कालेज का माहौल होता है। ये तो सब जानते दुनिया में कैसी आग लगी, अपन तो अभी मंदिरों में बैठे ना, तो अपन को दुनियादारी की हवा नहीं है। ये तो बहुत ही शांति है समझ लीजिए, अपन बहुत बड़ी जगह बैठे, ऐसी दुनिया में जगह मिलना कठिन। सुकुल आयु निरोगता, अच्छी आयु यानी जैसी अपन को मिल गई 70-80-100 जितनी करीब करीब चलती, तो इतनी आयु मिलना बहुत। फिर निरोग शरीर, खांसता हो बैठते ना माने परिणाम बिगड़ते हो, निरोगता मिलना कठिन। सुकुल आयु निरोगता, और फिर निरोगी भी हो मन ना हो जनवाणी सुन ले। श्री जैन वाणी का मिलना कितना बड़ा कठिन है, ये तो गुरुदेव से पूछो आप कि 45 साल हमें नहीं मिली, जब हमें पता चला कि कितना पुण्य था। और जब मिला सीमंदर भगवान को, बहन श्री जयपुर से नाठा से लाए, और भगवान का बहुत बड़ा उत्सव हुआ जब स्वामी जी ने भगवान को पहली बार देखा, यानी अपने सोनगढ़ में आने का पहली बार, क्योंकि वहाँ तो जंगल जैसा था, वहाँ लाके रखे देखा तो ऐसे पड़े रहे और आँख से आंसू बहते, हे भगवान कौन सा अनर्थ हो गया, क्या अंतराय बांधा, आपसे मैं कैसे दूर हो गया, कहाँ मैं आपके पास करोड़ों वर्ष तक रहा। और एकदम से ऐसा उदय आया कि यहाँ 45 वर्ष तक भगवान के चेहरे देख रहे, सोचो तो एक उदय 1 मिनट में पछाड़ देता, जरा सी उपेक्षा की तो ये ऐसा उदय आ जाए कि अंजना जैसे समझ में आता है 22 साल तक कैसे। उसको ले आई मिल गई, अब जिनवाणी मिलना पसंद, अब जिनवाणी तो मिल रही है पर बिना मन के सुनता, सुनते सुनकर के भूल जाता, याद नहीं रखता, याद भी रख ले तो पंडिताई के लिए याद रखता है, अपने कल्याण के लिए रखता, बहुत पापड़ बेलना, नहीं बोलते आत्मार्थी हुए बिना वो भीतर नहीं जाए। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, देश न लगनी, अब तत्व ज्ञानी, अब तुझे भाजा अरे आत्मा हूँ मैं, भगवान मुझे आत्मा देखते आत्मा बताते, अरे मुझे इन बातों की खबर ही न थी, मैं प्राप्त पर्याय का कर्म में हो रहा था, धन्य जिनवाणी माता तुमने आत्मा बताया, प्रभु आपने एक न्याय बताया, इतना अच्छा लगने लगा, तत्व ज्ञान हो गया। अब कहते तत्व ज्ञान होने पर भी विषय कषायों से रह तपश्चर्या करना बहुत,
तो तपस चरण में भी व्यवहार तप तो आ जाता है जिससे पुण्य बनता है, दुनिया तारीफ करती है, पर निश्चय तप यानी इच्छाओं का निरोध जो अभी अपन पढ़ेंगे सदा सुखदास जी का 5 मिनट, तो वो कहते ये होना, इसके बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति से ही भगवान बनते, और कोई गलत नहीं, रत्नात्रयधारी के शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति यही मुक्ति का भाव, रत्नात्रय मुक्ति की भाव, स्वानुभव मुक्ति का भाव। अतिमा दुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तपश्चरण का आदर करता है, नरभव अनुपम कनक घर पर मणिमयी चलता है। देखो सदा सुखदास जी तप के बारे में कहते, समय अपना बहुत जल्दी हो गया, 5 मिनट तो ले लें, 306 पेज। अब उत्तम तपश्चरण धर्म के स्वरूप का वर्णन करते, इच्छा का निरोध होना ये तप है। बता सकता है कोई इच्छा का निरोध तप कहाँ, कौन से ग्रंथ? धवला ग्रंथ में और 4 आराधनाओं में तपश्चरण मुक्त। 4 आराधना कौन सी? ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चरित्र आराधना। जैसे स्वर्ण को तपाने से सूलय बार पूर्ण उष्णता देने पर वह समस्त मेल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल से रहित होकर शुद्ध हो जाता है। ये पढ़ने पर एकदम ऐसा लगता है कि अनशन करना पड़ेगा, अवमोदन करना पड़ेगा, वृत्ति परिसंग, ये तो बहुत कठिन काम। यदि इसका अर्थपूर्ण जी ने 7वें अध्याय में लिखा, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों की आहार अंशनादि छोड़ने की प्रतिज्ञा और इच्छा नहीं है, उन्हें शुद्धोपयोग बढ़ाने की ऐसा लगा पढ़ना। फिर से ज्ञानी धर्मात्माओं को अंशनादि करने का उल्लास और उद्देश्य नहीं है, और साफ साफ लिखा कि एक आदिनाथ और महावीर को छोड़कर 22 तीर्थंकरों ने उपवास नहीं किए ज्यादा, ये सबसे ज्यादा 2 तीर्थंकरों के हुए उपवास, 175 दिन का महावीर स्वामी को हुआ, पर आदिनाथ के 6 महीने उठे नहीं, 7 महीने 9 दिन मिले नहीं, इतना लंबा। बोले अजित आदि तीर्थंकर ने तो 1 या 2 उपवास किए और बाद में आहार ले। इसलिए आहार त्याग कोई तपश्चरण का बड़ा साधन है, जैसे बहुत बड़ा साधन मान के जीव अभी भी करे ताकत लगाए वो अपनी, परंतु आत्मा में भीतर प्रवेश किया अनुभव किए बिना, इच्छाएं रुके बिना, शुद्धोपयोग शुद्ध अनुभव हुए बिना निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा के लिए कर ले, अज्ञानी मित्र दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में अनेक प्रकार के कायक्लेश सैनी को तप मानते, देखो कितना सदा सुखदास जी है, किंतु तप नहीं। अब कितने जीव इस चोट को नहीं समझ पा रहे, कितने जीव जबरदस्ती आहार छोड़ के स्वाध्याय में मन नहीं लगता, अंतर्मुखता होती नहीं, एकदम आहार छोड़ करके धर रहे, बहुत कठिन है समझाना। क्रिया में इतना रस है, नाम बड़ाई का इतना बुरा रोग है, और दिक्कत धर्म तप और है शुद्धोपयोग हो धर्म आत्मा में मगनता बढ़े तो तपश्चर पे आग उपास। उन्होंने लिखा पंडित साहब ने कि 12 तपों में 11 तप तो व्यवहार है, इससे पुण्य बरबन, 12वां तप है ध्यान, और अंतरंग तप में भी वो बहिरंगवत कहते हैं स्वाध्याय में बहुत उपयोग लगता है, तो इच्छाएं बहुत रुकती हैं, तो उसे अंतरंग तप का विनय प्राश्चित भैया व्रत आदि में इच्छाएँ ज़्यादा रुकती, इसलिए तपश्चरण नाम दिया। सबसे उत्कृष्ट तप है तो वो ध्यान, और अपन का ध्यान भी न लगे तो सबसे सर्वोत्कृष्ट साधन तूर्णमयी ने आत्मानुशासन में लिखा है कि स्वाध्याय एक इतना सरल साधन है कि इसमें तेजी शारीरिक शक्ति भी नहीं चाहिए, इसमें तो रुचि चाहिए। एक बार रविंद्र जी ने सुमत प्रकाश जी से 2500 साल पहले पूछा था कि भाई स्वाध्याय करते हो, तो इन्होंने उत्तर दिया पंडित साहब समय नहीं मिलता, मैं कॉलेज पढ़ाने जाता हूँ, हाथ से रोटी बनाता हूँ, सब कपड़े भी धोना, कार घर के काम भी देखना, तो पढ़ना भी, तो पढ़ाना भी, समय नहीं मिलता। तो स्वामी जी बड़े पंडित जी बोले कि हम अध्ययन की नहीं पूछ रहे, स्वाध्याय की पूछ रहे।
अध्ययन में तो बैठ के पढ़ना पड़ता है, और स्वाध्याय तो 24 घंटे होता है। सो को अधि बनाओ, आधार बनाओ, और जानो जानो कि देखो मैं ज्ञाता, मैं ज्ञाता, मैं रोटी नहीं बनाती, मैं ज्ञाता, देखो मैं पूजा नहीं करता, मैं ज्ञाता, वाणी निकल रही है, प्रवचन हो रहा, मैं जानो। ये स्वाध्याय इसको कब तुम्हारे लिए अलग से समझते, ये तो रुचि के अनुसार हो। नित्य दृष्टि जीव ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानते, कल ही नहीं आते। आत्मा कर्म कलंक रहे तो भी विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को राग देश मोहादि भाव कर्म रूप मेल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार राग देश मोह रूप मेल भिन्न हो जाए, शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न दिखे उसमें मगन हो, इसको तप दा तप किसे कहते हैं। यहाँ लिखे आप क्या, एक तो नास्ति से लिखा इच्छा निरुदय तप, और अस्थि से क्या लिखा, निस्तरण चैतन्य भाव में प्रतिपन्न आनंद भोगना, अपने आत्मा में मगन, इसमें ही नित्य विहार कर, इसमें ही संतुष्ट हो, इसमें ही तृप्त हो। बाबू जी ने सिद्ध पूजा में लिखा पुष्प चैतन्य स्वरभ की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करती हो माया की छाया रंज नहीं ताकि निष्काम प्रवाहित हर लो। क्या काम काम की कैसा लिखा है, आनंद ऐसा भूखता है मुनि कि उसे याद ही नहीं आती कि आज कौन सा दिन है, कि आज बाहर के लिए जाना है, क्या बहुत आनंद का मार्ग है। यदि इस पर्व में दस लक्षण पर्व में आत्मा आनंद में ही लगने लगा, रुच गया, तो समझ लेना सिद्ध दशा आगे आने। संसार में मन स्व पाकर यदि स्वपर तत्व का ज्ञान किया तो मन से जीवन इंद्रियों को रोक कर विषयों से विरक्त होना, सभी परिग्रहों को छोड़कर बंद करने वाली राग देशमयी प्रवृत्ति को छोड़कर पाप के अवलंबन से छूटने के लिए ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। संसारी जीव के ममता रूपी बड़ी फांसी, ममता रूपी जाल में फंसा है, घोर कर्म करता हुआ महापाप का बंद करके रोग आदि की तीव्र वेदना से स्त्री पुत्र आदि समस्त कुटुंब परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान और रोध ध्यान में पड़ा। अब वो बीमार है, अब इनकी धंधा नहीं चल रहा, वो घर बनना है, अभी काम करना, दादी मनुष्य आया काय के लिए, नरक निगोज से मुश्किल से तो मनुष्य जैन बना और ये भगवान मिले। अब यहाँ उसकी न जाने कितने प्रोग्राम चलते रहे, सवेरे से उसकी लिस्ट देखो आज ये काम कर, मतलब ये काम है। यदि आपका अंतिम दिन हो तो ये बताना कौन कौन से काम निपटा, सोचते ही नहीं जीव की बहुत कीमती पर्याय है, कोई बता के नहीं आएगी मौत, और नोटिस तो आने लगे, सब पे आँख पे चश्मे में चढ़ गए, बाल सफ़ेद हो गए, दांतों में कीड़े लगने लगे, लीवर कम काम करने लगा, किडनी अपना अपना असर दिखा रही है, चाल देखो तो अटपटी ऐसे लगता है जैसे कोई पिए बैठा हो चल रहा हो, घर तक कैसे पहुंच पा, इतने चिन्ह दिख रहे हैं मृत्यु के, तो भी जीव को बहराने कैसा दुर्लभ बता रहे हैं। और कोई भरोसा नहीं अगली पर्याय में कौन बनेगा, किस घर में जाओ कोई पूछने वाला नहीं। तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है, तब तो कोई महाभागवान पुरुष पापों से विरक्त होकर समस्त स्त्री कुटुंब पुत्र धनादि परिग्रह से ममत्व छोड़कर परम धर्म के धारक वितराग निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों की शरण में पाता है। गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया हो, सम्यक रूपी सूर्य का उदय प्रकट हो गया हो, संसार विषय भोगों से विरक्तता उत्पन्न हो गई हो, वह तप संयम धारण कर, ऐसा दुर्धर तप धारण करके भी यदि कोई पापी ऋषियों की इच्छा से बिगाड़ता है, उसको अनंतानंत काल तक फिर तपस्या की प्राप्ति नहीं होती। अतः मनुष्य भाव पाकर तत्वों का स्वरूप जानकर मन से पांच इंद्रियों को रोककर वैराग रूपी होकर समस्त परिग्रह को छोड़कर वन में एकाकी ध्यान करने वाले के ऐसे तप होते हैं और अपने जीवन में हो। अपन तो बहुत कमजोर है ना ऐसा लगता है, अरे आत्मा की तरफ से देखो तो कमजोरी कमजोरी नहीं दिखती, वो तो ज्यों का तो एक सा होता है, परंतु फिर भी अपनी पर्यायगत योग्यता जैसी है उसके हिसाब से देखो। एक महावीर भगवान 30 वर्ष की उम्र में
जवानी की उम्र कहला, तो इस समय तो शादी विवाह होती, धंधे पानी दिखते, उनके सामने ऐसे प्रसंग थे कि गाय होमी जाते, घोड़े होमे जाते, यज्ञ चलते और कोई किसी को समझा नहीं सकता। और महावीर स्वामी का तीर्थंकर का द्रव, उनके बाजू में खेलने के लिए, खड़े होने के लिए स्वधर्म में खड़ा, स्वधर्म में समझते कितनी बड़ी हस्ती कहलाते, ये मध्य लोग को ऐसा गेंद जैसा उठा, बहुत बड़ी ताकत का नाम है स्वधर्म। ऐसा व्यक्ति चाहते तो कान पकड़ के सब यज्ञ बंद करा, पर उन्होंने कोई भी दिमाग अपना खराब नहीं किया कि गाय क्यों मार रहा है कि क्या कर, सीधे जंगल गए। और बाद 30 वर्ष की उम्र में और मम्मी ने कहा कि बेटा बहू ला दे, मेरे मन में एक तमन्ना है। तो वो सब कहती रही, मम्मी तू ये इच्छा है कि बहू लाए तुम्हें जरूर ला, परंतु तू जिसको बहू कहती है और लाने के लिए कहती है उसका साथ परमानेंट है, तो मैं ऐसी पत्नी लाऊंगा जो कभी मुझे छोड़ दे, मैं शादी तो करूंगा परंतु जो हमें ना छोड़े मैं उसके साथ है। मुक्ति जमा से जर्मी ये मूल तड़क कर टूट पड़े तुम सार्थक बस। जैसे महावीर ने 3 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, कल्याण करीब 12 वर्ष तक बोली, और उन्होंने 12 साल बाद जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो लाखों लाखों लोगों को हृदय बदल गए। यदि वो एक एक व्यक्ति को सुधारने लगते, अपने को न सुधारते, तो कौन मानता किसकी कौन मानता। जब उन्होंने ये मंगल पद प्राप्त कर लिया, अब 1500 तो वो इंद्रभूति वायुभूति अग्निभूति और तीनों विद्वान, 1500 आदमी तो एक मिनट में सुलट गए, गणधर पद पर बैठ गए। पारसनाथ की भगवान की याद करते अपन तो कैसा जीवन लंबा बीता, अपन सबको मानो कमट से कैसे शांत भाव से इन नौ भाव बिताए। अब ये कह रहे हैं कि 30 वर्ष की उम्र उनकी थी और उनकी दीक्षा के स्नेह, जब वो जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उस साकेत नगर यानी अयोध्या से दूत आए, तो लोगों ने परिचय दिया ये कहाँ से आए, कि महाराज ये अयोध्या के राजा के दूत हैं और उन्होंने ये आपके लिए भेंट भेजी है। कैसी है अयोध्या, ऐसा नाम कैसी है वो अयोध्या, अरे जहाँ असंख्यातों तीर्थंकर होते आए हैं होते रहेंगे, शाश्वत धर्म भूमि है, यहाँ धर्म की गंगा बहती, 6 महीने पहले से वातावरण बदल जाता है, 15 महीने रतन बरसते हैं, सभी तीर्थंकर हमेशा से सिर्फ अयोध्या में ही जन्मते हैं और संवेद शिखर से ही निर्वाण पाते हैं, ऐसी पवित्र। अरे मैं क्या कर रहा, जन्मदिन मना रहे, कोई भी आप एक भी तीर्थंकर का आप विचार करना तो ये उनको वैराग नहीं दिलाने के लिए कोशिश की, स्वधर्म ने नीलांजना को निधान दिखा दी, अरे वो तो बहुत विरक्त थे, उनका मन लगता कहाँ, पर प्रचुर वैराग भी अपनी योग्यता से आता है, और जब आता है तो बनावट ही नहीं आता, दिखाने के लिए नहीं आता। जंगल पहुँच गए और उन्होंने जीवेश्वरी दी, ऐसे कोई भी प्रकार से आप विचार करोगे तो आपके जीवन में ऐसा लगेगा हो मेरी ऐसी दशा ऐसी तुम जाए प्रभु, आप जैसा तपश्चरण मेरे अंदर हो, तब को मुख नहीं किया आत्मा को, शुद्धात्मा का आश्रय लोगे तो तपश्चरण भी होगा और जीवन अपना सहजानंदी अविनाशी अमृत रस भूला।
सदा बंदे मोक्ष से भी रहित ज्ञायक बताया बंदे मोक्ष से रहित ज्ञायक बताया होने हारे अच्छी जीवो उनको ही भाया होने हारे अच्छी जीवो उनको ही भाया बनाने आए थे विदेश से तुम ही बनाने सीमंदर संदेशा लाए प्रभु विरह बुलाने सीमंदर संदेशा लाए प्रभु विरह बुलाने इतनी शांति से तीनों सुनते देख के ऐसा लगता है कि कितना अच्छा काल चल रहा है बहुत अच्छा काल कहलाता जा इतनी शांति से घंटों भगवान की दिव्य ध्वनि और अत्यंत रुचि भाव से सुनता है तो लिखा क्या है लगे काल चौथा आया हो लगे काल चौथा आया मन मेरा बोला अमृत रस घोला कुंद कुंद प्रभु वाणी तो अमृत अनमोला गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला करता करम की भ्रांति तुमने ही मिटाई करता करम की भ्रांति तुमने मिटाई ज्ञाता स्वभाव से हूँ घुटिए पिलाई ज्ञाता स्वभाव से हूँ घुटिए पिलाई चेतन है जानन हारा हो चेतन है जानन हारा रोम रोम बोला गुरुदेव ने उसमें अमृत रस बोला गुरुदेव ने उसमें अमृत रस समय सार दे गए तुम द्वादशांग सार है समय सार दे गए तुम द्वादशांग सार प्रवचन का सार दिया अमृत भंडार है प्रवचन का सार दिया अमृत भंडार है नियम सार में तो देखो नियम सार में तो देखो क्या देखो निर्य ग्रंथ चोला गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला ऐसा कहाँ होगा बात सुनो ज्ञानमयी गुरुवर मेरे ज्ञानमयी जिनवर ज्ञानमयी गुरुवर मेरे ज्ञानमयी जिनवर ज्ञानमयी भक्ति से हूँ भटकू न दर दर ज्ञानमयी भक्ति से भटकू न दर दर चैतन्य चैतन्य भासे हो चैतन्य चैतन्य भासे ज्ञान झूल झूला गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला जो अध्याय करते हैं पता कैसे चलता है
अंत में अब शत्रु दिखे नाही मित्र भी न दिखे, अब शत्रु दिखे नाही मित्र भी न दिखे, पारस प्रभु सी दृष्टि, पारस प्रभु सी दृष्टि, कमठ सिद्ध दिखे, पारस प्रभु सी दृष्टि, कमठ सिद्ध दिखे। अंत में भावी सिद्धों को बंधन हो, भावी सिद्धों को बंधन, चेतन भाई भावी सिद्धों को बंधन, भावी सिद्ध बोला गुरुदेव ने वृत में अमृत रस घोला, गुरुदेव ने वृत में अमृत रस घोला, अमृत चंद्र वाणी तो है अमृत अनबोला, गुरुदेव ने अमृत रस घोला। जिन वाणी स्थिति